पता नहीं आजकल की स्मार्टफोन मार्केट काफी बोरिंग हो गई है। दोस्तों नाम है मेरा मानस, टाइटल आपने देख ही लिया होगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं मोटोरोला G52 की स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पे आपको 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस वाली पी ओलेड डिस्प्ले मिलेगी, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको वही सेम चिपसेट स्नैपड्रैगन 684G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करें तो वही 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जो नहीं जाने वाला कभी, प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो वो भी नहीं जाने वाला कहीं। बात करते हैं सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और 33 वॉट की चार्जिंग मिलेगी। वेट और थिकनेस की बात करें तो 7.9 mm थिकनेस होने वाली इस फोन की, 169 ग्राम वेट होने वाला है। बात करें अदर फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स रन करने वाला है ये फोन, साथ में 6GB रैम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, 128GB स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। बात होगी स्पेक्स की, वही बोरिंग सी स्पेक्स। बात करें इस फोन की लॉन्च डेट और प्राइसिंग की, तो ये जो स्मार्टफोन है लॉन्च होने वाला है 25 अप्रैल को। बात करें प्राइसिंग की, तो ऐसा लीक आई है कि 20,000 इसकी प्राइस होने वाली इसकी बॉक्स प्राइस, पर जो एक्चुअल प्राइस होगी लॉन्च प्राइस वो होगी 17,999। तो ये है प्राइस, मैं इतना ही कहूँगा जाते जाते भैया ये स्मार्टफोन मार्केट काफ़ी बोरिंग होती जा रही है। वही सेम स्पेक्स वही दूसरी ब्रांड्स भी कॉपी करके डाल दे रही है अपने नए फ़ोन में। अभी रियलमी 9 कुछ टाइम पहले आया था सेम स्पेक्स के साथ, प्राइस उसकी 17,999 से स्टार्ट होती है आई थिंक। पता नहीं कैसी प्राइस रखते हैं ये लोग, 680 चिपसेट आप लोग को 15,000 रुपये के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस फ़ोन के बारे में ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।